मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ फॉर योर अकेडमी में स्वागत है। मैं मोहम्मद मुशरी आपको आज एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूं कि जिससे सभी बच्चों की क्लास का, चाहे वो कोई भी क्लास का बच्चा क्यों ना हो, सभी को काम आता है। तो अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखता है तो छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में, नौवीं क्लास में, दसवीं क्लास में और उससे ऊपर के लेवल के बच्चों के लिए भी, यानी कि जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। अब आइए, तो अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप उस वीडियो से यानी कि वंचित नहीं रह पाएंगे, यानी कि आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिगर टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज संख्याएं। संख्याएं या इसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम। हिंदी में संख्याएं या संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें कई संख्या बतानी है तो लंबा टॉपिक है, इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज के लिए अलग अलग बनानी पड़ रही है। तो इसके लिए आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको आप देखिए इस वीडियो को। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम की वीडियो इसी टॉपिक के लिए इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं संख्याएं। सबसे पहले संख्या क्या है? संख्या यानी कि किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, यानी कि काउंटेबिलिटी के लिए जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं संख्याएं। नंबर एक प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, इसकी डेफिनेशन, जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जा रही है, गिनने में प्रयोग की जाती हैं। या दूसरा इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं, जो संख्याएं एक से शुरू होकर धनात्मक में, धनात्मक यानी कि जमा, धनात्मक मीन्स जमा, धनात्मक में अनंत तक जाए। एग्जाम्पल यानी कि जैसे एक दो तीन चार डैश डैश डैश, यहां पे इस तीन डैश का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर तीन डैश है, तीन डैश मीन्स यानी कि यहां पे हम अगर तीन डैश लगा देते हैं किसी भी नंबर के बाद, तो तीन डैश का मीन्स हो जाता है तीन पॉइंट्स जो हमने लगाए, तीन पॉइंट्स का मीन्स यानी कि इनफाइनाइट, तो यानी कि अनंत तक, इसका मीन्स अनंत तक जाए। ठीक है, तो पहला नंबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वैसे जिन संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें, नंबर दो पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्याओं में
प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देना है, शून्य को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ओके, इसके बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर धनात्मक मतलब मैंने आपको बताया था धनात्मक जमा, जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर धनात्मक में अनंत तक जाए। ओके, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डैश। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है, या जो संख्या जीरो से शुरू होकर धनात्मक में अनंत तक जाए, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है जी, इसी नंबर है हमारा पूर्णांक। तीसरा नंबर है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तीसरे नंबर पर पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं नंबर तीन, पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाएं तो पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्णांक के लिए यानी कि यहां पर हमने पूर्ण संख्या का यूज किया। अब हम यहां पे अगर हम कहें कि प्राकृत संख्याएं जीरो और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जीरो और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इसका तीसरा तरीका यानी कि इसकी डेफिनेशन को तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो उसका तरीका है ऋणात्मक शून्य
संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। यहां पे आपको हमने तीन डेफिनेशन लिखवा दिए हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जोड़ दी जाए तो पूर्णांक बनते हैं, या प्राकृत संख्याएं जीरो और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं, या ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर ऋणात्मक, ऋणात्मक मीन्स घटा की, जो माइनस की होती है, इंग्लिश में कहते हैं माइनस और हिंदी में कहते हैं घटा, यानी कि जो घटा की होती है, यानी कि ये साइन घटा का है, ये प्लस जमा का है, और इंग्लिश में तो माइनस और हिंदी में प्लस, यानी कि प्लस और माइनस और जीरो तीनों नंबर्स आने चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि हर तीन डैश हमने पॉइंट लगा दिए तो माइनस थ्री जैसे हमने लिया, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री डैश डैश, तो यानी कि ये इसकी एक और डेफिनेशन होती है, यानी कि नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं उन संख्याओं को क्या है, पूर्णांक कह सकते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि जो नंबर रेखा है, हमारी संख्या रेखा, उस पर ये सारे के सारे नंबर लिखे जाते हैं। तो अब इनको इस्तेमाल नेक्स्ट, यानी कि चौथा नंबर, यानी कि फोर्थ नंबर पर हमारा आ रहा है सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या, जो संख्या, जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित, विभाजित होती हो, होती हो, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो संख्याएं दो से पूर्णता विभाजित होती हैं या पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। तो कहने का मकसद वही है, जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित होती हों, जैसे दो, चार, छह, आठ, दस, 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 सौ नंबर पर इंफाइनाइट तक जाएंगे, यानी कि अनंत तक जाएंगे, दो, चार, छह, आठ, दस, यानी कि इसी तरीके से हम इसको करें तो ये अनंत तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। तो अगला नंबर यहां पर जगह है तो इसलिए हम अगला नंबर यहीं पर कर लेते हैं, यानी कि पांचवा नंबर है हमारा विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या है, नंबर पांच विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको, जो संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूरी पूरी भागना हो, भाग के हैं या विभाजित के हैं, पूरी पूरी भाग ना हो, जो संख्या दो से पूरी पूरी भाग ना हो या नहीं होती हो, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, यानी जो दो से पूरी पूरी भाग नहीं होती, यानी दो की टेबल में नहीं आती है, दो की पहाड़ी में नहीं आती है, जो संख्या है वो सारी संख्या, यानी कि एक, तीन, पांच, सात, नौ, टू इन्फाइनाइट, यानी कि अनंत तक जाएंगे, तो एक, तीन, पांच, सात, नौ, और ये इसी तरीके से अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। पांच नंबर हो गए, यानी कि छठे नंबर पर हमने विषम तक कर लिया था, तो छठे नंबर पर हम लेते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य
अभाज्य संख्या यानी कि इसको कहते हैं इसमें प्राइम नंबर्स, इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से कहलाते हैं, चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। इसकी भी दो तीन डेफिनेशन है, तो कौन सी आप याद रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल जरूर एंड तक देखिए और इसको समझिए कि हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं एक में स्वयं से ही भाग होती हो, जो संख्याएं एक में स्वयं से ही भाग होती हो, या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हैं, जो संख्या केवल दो ही गुणनखंड रखती हो, जो संख्याएं केवल दो ही गुणनखंड रखती हो, जिसके ओनली दो फैक्टर हो, इंग्लिश में कहते हैं दो फैक्टर, ठीक है, जो संख्याएं केवल दो ही गुणनखंड रखती है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सोन अप टू इन्फाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएंगे। सेवन सेवन नंबर पर हमारा है अभी हमने अभाज्य कहते हैं छठे नंबर पर, अब सातवां नंबर पे है भाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं हम बात करें भाज्य यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं एक वे स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स होता है कि उनको उनके अलावा किसी और नंबर से भी, जो संख्याएं एक वे स्वयं के अतिरिक्त यानी किसी और नंबर से भी, अतिरिक्त जो संख्याएं एक वे स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग हो, जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग हो, ठीक है, जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग हो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं, या इसकी दूसरी डेफिनेशन है संख्याएं तीन या तीन से अधिक गुणनखंड, रखते हों, ठीक है, जो संख्या तीन या तीन से अधिक गुणनखंड रखते हों, जैसे चार छः आठ नौ दस बारह सोन अप टू इनफाइनाइट यानी कि ये अनंत तक जाएंगे, चार छः आठ नौ दस बारह। और आठवें नंबर पर आता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? चलिए, यानी कि परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, और क्यू शून्य के बराबर ना हो, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर नहीं है जीरो के, जैसे 3/8, 5/2, 2/3, 18/17 और 19/23। ए परिमेय संख्याएं, ए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में ए परिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स एपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों। परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हूं, जैसे √2, √3, √5, 3+ √7, 8 यानी कि एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई भी और नंबर, इसके अलावा बहुत से नंबर है। तो चलिए अब हम वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है जी, इसके अंदर यानी कि परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके, यानी जैसे आप वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इनको रियल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, √7 और यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी जो नंबर्स हैं 3/8, 5/8 या 2/9, 3/7, 7/3 एक्सेट्रा, ETC कहते हैं इंग्लिश में, और इतने कहते हैं, यानी कि इसके अलावा भी इनके और नंबर्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको ये सारी से सारी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी से सारी संख्याएं समझ में आ गई हैं, तो इनके बेस पे आप जो है, अगर आपसे कभी भी ये संख्या वगैरह पूछ ले जाती है, 10 संख्याएं लेके 6ठी 7ठी 8ठी 9वीं 10वीं क्लास और जो एग्जाम देते हैं बच्चे किसी भी उसका, तो उसमें संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो संख्याएं इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। और मेरी क्लास का ये सबसे पहला टॉपिक होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।